नमस्कार फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन टैक्स पेयरों के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। उन लोगों का जो TDS होता है वो GST में 2% TDS कट जाता है, तो वो जो 2% TDS उनका कटता है वो किस तरीके से अपने GST के कैश लेजर में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये उनके लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपका TDS या TCS कटता है GST में, वो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किस तरीके से उसको ले सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो में सबसे पहले GST का डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे। अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के GST जब आप ओपन करेंगे तो नीचे ये डैशबोर्ड आता है, रिटर्न का मंथली आता है, GSTRN 2A आता है, 3B आता है, ITC और GSTRN 1। हमें अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर का ITC जो TDS या TCS कटा है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया हो और उसका 2% TDS कट गया हो, तो उसे हम अपने GST में किस तरीके से वापस लेंगे, तो हम सबसे पहले सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जाके हम रिटर्न, यहाँ से रिटर्न पे जाएंगे और नीचे सबसे TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव में क्लिक करेंगे। यहाँ आप जब क्लिक कीजिएगा तो जिस कॉन्ट्रैक्टर का जिस महीने में TDS या TCS कटा हो वहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। ये सारा मंथली वाइज आ गया, मुझे नवंबर में इसका चेक करना है तो नवंबर पे क्लिक करके सर्च करेंगे। ये कॉलम खुल गया TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव का। जब ये कॉलम ओपन हो जाएगा तो इसे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर लेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सारे डैशबोर्ड आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए TDS क्रेडिट रिसीव है, यहाँ TCS क्रेडिट रिसीव है, सब 00 दिखा रहा है। तो आपको लगेगा कि इसमें कोई प्रकार का TDS या TCS नहीं कटा है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपका TDS कटा है तो ये TDS क्रेडिट रिसीव को यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर ये ओपन हो जाएगा। देखिए मेरा ओपन हो रहा है कि इसका इतना टैक्स जो है वो 2% के हिसाब से इतना इसका TDS GST में कटा है। अब हम इसे यहाँ पे एक्शन लेना, लिख रहा है नो एक्शन टेकन, अब आपको एक्शन लेना है। तो क्या करना है, अगर आप मिला लेंगे कि ये सब कुछ आपका सही है, कोई मिसमैच नहीं है डाटा, तो यहाँ पे टिक मारेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा, रिजेक्ट का और एक्सेप्ट का। तो आप यहाँ पे उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर पहले आप मिला लेंगे, अगर आपका TCS भी कटा हो किसी तो उसे भी चेक कर लेंगे, नहीं तो एक बार इसे जब सबमिट कर दीजिएगा तो ये फिर दोबारा नहीं होगा। तो आप अपना डाटा चेक कर लेंगे सही है तो यहाँ पे क्लिक करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड एक्सेप्ट सक्सेसफुली। अब आप बैक जाएंगे तो देखिए अब यहाँ पे वन डाटा मेरा दिखा रहा है। अब मेरा पैसा जो है TDS का जो कटा है वो यहाँ पे शो करने लगा। अब यहाँ पे जब शो करेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो पैसा है आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा और आपको ये पैसा शो करने लगेगा। प्रोसीड टू फाइल करके इसे फाइल कर देंगे। पहले हम प्रोसीड टू फाइल करते हैं, प्रोसीड टू फाइल कर दिया। अब ये कुछ समय बाद ऑप्शन आएगा रिटर्न भरने का, थोड़ी देर वेट कर लेंगे।
अब यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन आ गया, थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप एग्रीमेंट पे टिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन फाइल TDS TCS क्रेडिट रिसीव, यहाँ आप क्रेडिट रिसीव कर लेंगे, यस कर ले। और यहाँ पे फाइल विथ EVC कर देंगे, अगर डिजिटल सिग्नेचर से करते हो तो DSC करेंगे, OTP से करते हो तो EVC। मैं EVC कर देता हूँ, मेरे मेल पे और OTP आ गया है, इसे मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा और वैलिडेट कर दूंगा। ये अपडेट हो गया, ये मेरे GST पोर्टल पे अब ये जो पैसा है वो शो करने लगेगा। कैसे करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ डैशबोर्ड क्लिक करेंगे, यहाँ जब आपका लेजर आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, देखिए आपका ये जो पैसा है मेरा जो 2% TDS कटा था वो शो करने लगा, ये पहले नहीं करता था। अब आप इस पैसे का रिटर्न भरते समय यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।